नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं यानी यज्ञोपवीत पहनते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो हमारा विषय है यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो जनेऊधारी हैं। प्रिय दर्शकों, यज्ञोपवीत पहनते वक्त धारण करते समय आपको क्या ध्यान रखना है ताकि आपको नुकसान न हो। प्रिय दर्शकों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल आपके यश का नाशक हो सकती है और आपकी एक छोटी सी भूल आपके धन का नाशक हो सकती है। तो कब, किस अवस्था में, किस तरह का जनेऊ धारण करने से आपको धन और यश का नाश नहीं होगा और क्या भूल कर देंगे आप तो आपके धन और यश का नाश हो सकता है, नाशक हो सकता है यह यज्ञोपवीत, आज मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि यज्ञोपवीत की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए ताकि यश और धन में वृद्धि हो न कि क्षति। प्रिय दर्शकों, यज्ञोपवीत जनेऊ जो है वह कंधे से लेकर कटी भाग पर्यंत तक की लंबाई का होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, इससे अधिक लंबी और इससे अधिक छोटी जनेऊ नहीं पहनना है। यानी जनेऊ का लंबाई, यज्ञोपवीत की जो लंबाई होगी वह कंधे से लेकर कटी भाग पर्यंत तक होगी। तो अब इसी लंबाई का, यानी कितना जनेऊ का धागा हम लें कि उस यज्ञोपवीत की लंबाई ठीक इतनी ही हो, क्योंकि थोड़ी सी यदि 19-20 हो जाती है तो यह आपके लिए लाभ के वजह हानि का कारण बन सकता है। तो प्रिय दर्शकों, 96-96 का यदि आप यज्ञोपवीत बनाते हैं तो वह फिट न 1 इंच छोटा और न 1 इंच बड़ा होगा। यदि आप 96-96 का मतलब ये हुआ, यदि आप 96-96 का यज्ञोपवीत बनाते हैं तो उसकी लंबाई एकदम फिट कंधे से लेकर कटी भाग पर्यंत तक होगी। छोट और बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं है यदि आप 96-96 की यज्ञोपवीत बनाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वह ये है कि आपको लंबाई का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, यज्ञोपवीत की जो मोटाई है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वह सरसों की फली की तरह होनी चाहिए, सरसों की फली के बराबर होनी चाहिए। यदि उससे मोटी यज्ञोपवीत है तो वह यज्ञोपवीत आपके यश का नाशक हो सकती है, आपकी जो यश कृति है उसको धूमिल करने वाली हो सकती है। और यदि सरसों के फली से यदि पतली हो यज्ञोपवीत तो वह यज्ञोपवीत आपके धन का नाशक हो सकती है, धन को क्षति करने वाली हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, यज्ञोपवीत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नजरअंदाज न करें। यज्ञोपवीत की लंबाई स्पष्ट है, यदि आप 96-96 का यज्ञोपवीत बनाते हैं तो वह फिक्स कंधे से लेकर कटी भाग पर्यंत तक की होगी, 1 इंच भी छोटी और बड़ी नहीं होगी। और यज्ञोपवीत की मोटाई में आप ध्यान रखें कि सरसों की जो फली है उससे न मोटी हो न पतली हो, क्योंकि यदि उससे मोटी हुई तो वह आपके यश का नाशक और यदि पतली हुई तो धन का नाशक होगी। तो प्रिय दर्शकों, यज्ञोपवीत धारण करते समय आप इस बात का विशेष कर ध्यान रखें ताकि आपको उसका विशेष लाभ प्राप्त हो सके, उससे किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान न हो। यज्ञोपवीत
यज्ञोपवीत की बहुत ही महत्ता है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही हम वेद मंत्र पढ़ने के हकदार होते हैं, गायत्री जप करने का हकदार होते हैं। यज्ञोपवीत हमारे बल और तेज की वृद्धि करने वाला होता है। जनेऊ न पहने ऐसा नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो आप यज्ञोपवीत धारण करिए, क्योंकि वह हमारे बल और तेज में वृद्धि करने वाला है। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, बल और तेज की वृद्धि करने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आप यज्ञोपवीत धारण कीजिए। बस आपको इस यज्ञोपवीत धारण में एक छोटी सी सावधानी रखनी है, और वह सावधानी आज मैं आप सभी को बता दिया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको उसका विशेष लाभ प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के समक्ष पुनः एक बार उपस्थित रहूंगा एक नवीन विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।